हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वांटम फिजिक्स का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो टॉपिक है वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल इसके बारे में हम लोगों ने इसका जो कंसेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये किस तरीके से हम लोगों को इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं, क्या इसके कर्व कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल करी थी। आज इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा कि कल जो हमने स्टडी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, वो दो चार मिनट में हम लोग उसको रिवाइज करके फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो और ऑडियो क्लियर है ना, फिर हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। हाँ जी, फटाफट बताइए भैया। वीडियो ऑडियो क्लियर है? चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सब क्लियर आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करें। चलो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी किया वो क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें होता क्या है, उसमें यह है कि कोई एक मेटेलिक सरफेस है, एक मेटेलिक सरफेस है, जैसे सोडियम है या जिंक है या कुछ इस टाइप का कॉपर है, एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर यहाँ से अगर हम लोग लाइट भेज रहे हैं, लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। लाइट इंसिडेंट करवाने का मतलब है, लाइट का मतलब हो गया कि फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, लाइट का कौन सा नेचर की बात कर रहे हैं, हम लाइट के वेव नेचर को क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं जिसको फोटोन बोलते हैं। तो लाइट के पार्टिकल नेचर से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि लाइट के पार्टिकल नेचर में लाइट कैसा होता है, एक एनर्जी पैकेट की तरह बिहेवियर होता है उसका, और एनर्जी पैकेट जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम लोग फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो जब फोटोन इंसिडेंट होता है किसी मेटेलिक सरफेस पर तो क्या होता है, तो यहाँ से ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। सपोज इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसको न्यू नॉट बोल दिया, तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अगर यहाँ से जो इंसिडेंट फोटोन है उसका फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर इसके मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे ग्रेटर है ये इनकमिंग फोटोन का फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है, और ये मतलब बहुत इंस्टेंट प्रोसेस होता है, मतलब जैसे ये टच करता है यहाँ पे आके उसी टाइम पे निकल के चला जाता है, अगर ये ज़्यादा है तो। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है, ये जो फिनोमिनन है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, तो हम लोगों ने ये सिचुएशन पढ़ी यहाँ पे कि क्या फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, इस न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड। ये कल की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, आज तो केवल क्वेश्चंस करेंगे लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। ये फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर या जिसके बाद में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। राइट, चलिए इसमें हम लोग लेमडा की बात करें तो लेमडा इसका रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि सी इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा ऐसे हो गया, या मैं ऐसे बोलूँ लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू ऐसा। तो ये न्यू नॉट है, तो ये उसके करेस्पॉन्डिंग, न्यू नॉट के करेस्पॉन्डिंग जो लेमडा आएगा वो लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है, इफ फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या मिनिमम, तो यहां पर उसके करेस्पॉन्डिंग एक लेमडा का भी वैल्यू मिलेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि लेमडा के उस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उससे कम वैल्यू के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो लेमडा लेस देन लेमडा नॉट पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। राइट, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ऐसे बोल सकता हूं कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट और लेमडा लेस देन लेमडा नॉट। राइट, हम ओमेगा की टर्म्स में भी बात करते हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट।
है। तो ये हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, ये कि क्या पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी होगा तो वो बाहर ही नहीं आएगा। क्लियर? ये चलो ये कहानी हम लोगों को समझ आती है। इसके बाद में हम लोगों ने इस पे बहुत सारे कर्व्स भी पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए। उसके अलावा एक दूसरी बात ये है, क्या दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी सपोज कितनी है, ई, उसका न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो एच न्यू उसका क्या है, एनर्जी है। और इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत, रिक्वायरमेंट तो होगी, तो जो मिनिमम एनर्जी है जितनी इसको बाहर, जस्ट बाहर आने के लिए, जस्ट बाहर आने के लिए चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इसको डब्ल्यू नॉट से लिखते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के इक्वल कम एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए इसके पास। तो आप जो भी एनर्जी देते हो ना फोटोन से, ये फोटोन जाके कहाँ देता है, इस इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ जाती है, कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में चला जाता है डब्ल्यू नॉट में, और अगर बच गया कुछ तो वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। ऐसा है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू जस्ट एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, राइट। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं एच न्यू, इसको हम लोगों ने लिख दिया था एच न्यू नॉट प्लस के, और इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया था के मिला था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। फिर हम लोगों ने बहुत सारे कर्व बनाए थे, इसके ऊपर भी कर्व बनाया था, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने 5-7 कर्व बनाए थे, ठीक है। ये सारा सिस्टम पढ़ा था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक था, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्चुअल में यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी की जो एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कि किसी और पार्टिकल से कोलिजन कर जाए या कुछ और हो जाए, थोड़ी एनर्जी थर्मल एनर्जी में चली जाए, तो ये एनर्जी कम्प्लीटली इसके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी अलग फॉर्म में भी चली जाती है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल जो एनर्जी है ना, ये वर्क फंक्शन में जाने के बाद में जो बची हुई टोटल एनर्जी है, रिमेनिंग पोर्शन, वो कम्प्लीटली कहाँ पर आता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है, ठीक है। चलिए इसलिए हम लोग इसको केक को मैक्सिमम लिखते हैं, आप काफ़ी टाइम देखोगे। एक दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने एक इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताया था। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये बताया था क्या, कि सपोज ये इस तरीके का है कि हम लोगों ने ये जो फोटो प्लेट है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जिस प्लेट, जिस मेटेलिक सरफेस या जिस मेटेलिक प्लेट के ऊपर हम लोग फोटोन्स इंसिडेंट करवाते हैं, उस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, यहाँ से सपोज जैसे यूवी रेज को मैंने भेजा, राइट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था कि यहाँ पर एक बैटरी लगा दो, और उसके बाद में बैटरी के साथ में, बैटरी मतलब वोल्टेज अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये जो वोल्टेज अप्लाई किया है इसके साथ में हम लोगों ने कर्व बनाया था कि यहाँ से ये जो निकल के जाता है इसकी वजह से करंट फ्लो होगा, तो करंट और वोल्टेज के बीच में एक कर्व बनाया था। तो वो कर्व ऐसा मिला था कि जब आप बैटरी नहीं लगा रहे हो तब भी मिनिमम कुछ ना कुछ करंट मिलता है अपने को, फिर जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 करंट का वैल्यू, ये यहाँ पे क्या है, करंट है, इस तरफ वाई एक्सिस पे करंट है, तो धीरे धीरे करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है और थोड़ी देर बाद में सेचूरेट हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, फिर कितना ही वोल्टेज बढ़ा लो कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर मैं वोल्टेज को माइनस में करूँ, इधर तो पॉजिटिव है ना, वोल्टेज को अगर नेगेटिव करूँ, मतलब बैटरी को उल्टा कर दूँ, फ्लिप कर दूँ, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करंट का वैल्यू कम हो जाएगा और एक वैल्यू ऐसा आएगा वहां पर ये बैटरी इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को रोक ही देगा। रोक ही देने का मतलब है कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन रुक जाता आके, क्योंकि यहां से जब बैटरी लगाते हैं तो इधर अगर मैं नेगेटिव लगा दूं और इधर भी इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये रोक देगा। कल मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया था पूरा, है ना, सेटअप में। तो ये क्या होता है, यहां पर आके रुक जाता है, जहां पर स्टॉप हो जाता है, ये स्टॉप हो गया यहाँ पर आके, मतलब करंट स्टॉप हो गया, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको वी नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर वोल्टेज के टर्म में बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्यू इंटू वी, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्यू को इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी जो है वी नोड, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इस पॉइंट पे। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है वहां पे जाके रुक जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अगर, एक सेकेंड,
काइनेटिक एनर्जी का अगर मैक्सिमम वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अगर इक्वल हो गया, कौन उसके अगर इक्वल हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वी नॉट, तो क्या हो जाता है, ये जाके स्टॉप हो जाता है, इट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। यहां से अपने को एक और इक्वेशन मिल जाता है, हमारे को यहां से एक और इक्वेशन मिल जाता है, क्या इक्वेशन मिलता है, हाँ हमारे को यहां से एक इक्वेशन मिलता है, के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू या एच न्यू नॉट होता था ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ई वी नॉट से रिप्लेस कर देते हैं और एक इक्वेशन ये और मिल जाता है पोटेंशियल के टर्म में। इस ई को इधर भेज के हम लोग यहाँ से भी कर्व्स बनाते हैं और यहाँ से एक इक्वेशन ये, एक वो लास्ट वाला, यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें कर लेते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज़ ये के मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम, ये बातें भी होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी बातें की है। ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, उसका जो मेन कंसेप्ट था वो हो चुका था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। एक लास्ट बात और बता देता हूँ, जो हम लोगों ने कल डिस्कस की वो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। हम यही तो बोल रहे थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब वेव नेचर से, लाइट के दो नेचर हो गए, एक तो वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो क्यों नहीं कर पाए थे, उसका रीजन ये था, दो मैंने लिखवाए भी थे कल, इसमें ऐसा था कि एक तो इसमें क्या है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसमें ऐसा है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना होता है तो ये उसी टाइम पे हो जाता है, मतलब ये इंस्टेंट प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट होता है, इसमें टाइम गैप नहीं आता, ऐसा नहीं कि ये आया फिर कुछ 10 सेकंड 5 सेकंड बाद में जाके ये होगा, ऐसा नहीं है, इंस्टेंट प्रोसेस है ये, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स था उसमें जब वेव नेचर मानते हैं हम लोग, तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो टाइम लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि वेव नेचर में ऐसा है कि जब कोई वेव यहाँ पर आता है तो वेव का प्रॉपर्टी ये है कि जो भी वेव आ रहा है वो क्या है, पूरा जो मटेरियल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास में जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, सपोज इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से कोई वेव आया तो वो जो वेव है पूरा का पूरा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को तो देगा नहीं, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो आएगी वो एनर्जी बहुत कम होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होगी। तो इसके पास में फिर और वेव्स आएंगे, फिर ये एनर्जी कलेक्ट करेगा, फिर इसके हिस्से में कुछ एनर्जी आएगी, ये थोड़ी देर बाद में टोटल एनर्जी कलेक्ट कर लेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल होगी, तब जाके ये बाहर निकलेगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगना चाहिए, नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो टाइम लगता ही नहीं है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बट वेव नेचर मानते हैं तो टाइम लगना चाहिए, तो नहीं लगता टाइम। बट यहाँ पर क्वांटम जो फोटोन वाला इफेक्ट, फोटोन वाला जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसके उन्होंने बोला कि देखो वेव होता नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं एनर्जी, क्या होता फोटोन आता तो एक सिंगल फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो जितना भी उस फोटोन के पास में एनर्जी रहता है वो सारा का सारा इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, वो सारा का सारा एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये निकल लेगा यहाँ से, उसी टाइम पे निकल लेगा, अगर ज़्यादा इसके पास में इसके इक्वल या इससे ज़्यादा एनर्जी है तो उसी टाइम पे निकल लेगा, इसको एनर्जी धीरे धीरे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक साथ मिल जाएगी इसको एनर्जी, ठीक है। एक ये लॉजिक था। एक दूसरा इन्होंने ये भी बोला था क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये भी था कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ये, मतलब यहाँ से फोटोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे, भले ही फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। तो हम लोग अगर न्यू नोड से कम फ्रीक्वेंसी का भी अगर मैं लाइट भेजूं और उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब रोशनी ज़्यादा कर दूं एक तरीके से, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं बट फ्रीक्वेंसी कम है, तो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो एमिशन का प्रोसेस है देयर शुड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी,
बट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, राइट right? ये जो दो वजह थी जिसकी वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, आज हम लोग कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन वेराइटी वाइज करते रहेंगे, ठीक है। किसी का कोई कमेंट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, विकास पूछ रहे हैं कि पीडीएफ भी अपलोड कर दिया करो, नोट्स की पीडीएफ की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नोट्स की पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो नोट्स की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, ये मोबाइल ऐप के ऊपर आएगी, और अभी एक दो दिन के अंदर मोबाइल ऐप का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, क्योंकि क्लासेस अब उधर शिफ्ट होगी, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस नहीं आएगी ज़्यादा टाइम के लिए, अब उधर आएगी क्लासेस, ठीक है ना। तो वहाँ पे सारा सब कुछ, नोट्स वगैरह असाइनमेंट्स तो वहीं पे आते हैं, तो सारा सब कुछ उधर ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे किस पे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। चलो भैया क्वेश्चंस की बात करते हैं, सिंपल पहला क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट करते हैं। सपोज क्या ऐसा है, देखो कैलकुलेशन स्पीड से करने का भी तरीका बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर टफ लगने लग जाता है या थोड़ा सा आपको लगता है कि यार लेंदी है, तो क्या स्टूडेंट का वहाँ पर स्ट्रेटेजी ये होता है कि छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग लगने लग जाता है। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका थोड़ा स्पीड भी आए, तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस किया करो, वैसे वहाँ पर डिजिटल कैलकुलेटर मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस किया करो उस चीज़ की। तो देखो मान लो कि आपको मिला लेमडा या फ्रीक्वेंसी की टर्म में कुछ गिवन है, सपोज लेट लेमडा इज 300 माइक्रो एंगस्ट्रॉम माइक्रोमीटर, मैंने क्या लिखा है माइक्रोमीटर, देन फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी जेम में पूछा नहीं जाएगा, कहीं पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सुन लीजिए क्यों बता रहा हूं मैं। ये एनर्जी है फोटोन की, फोटोन की एनर्जी क्या होता है, एच इंटू न्यू होता। अगर फ्रीक्वेंसी देता आपको, अगर फ्रीक्वेंसी देता तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रख लेते, एच का वैल्यू आप लोग जानते हो 6 अराउंड ऑलमोस्ट 6 इंटू 10^-34, उसका वैल्यू रख लेते, न्यू का वैल्यू रख लेते, आपका आंसर आ जाता न्यू अगर फ्रीक्वेंसी देता तो। आपको क्या गिवन है, लेमडा गिवन है, तो लेमडा गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हो एच सी बाय लेमडा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट है, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको बोला जाए कि स्पीड कुछ और है उसका, लाइट का स्पीड कोई मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो आपको बोल दिया कि यार इसका स्पीड ये है, उसका लेमडा ये है, तो एनर्जी कैलकुलेट करो जो जो भी है, तो वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम पे ये स्पीड है वो कुछ अलग हो जाएगी, बट जनरली 99% केसेस में हम लोग वैक्यूम में ही बात करते हैं ये सारी चीज़ें, तो कहाँ पर ये वैक्यूम में सी कितना होता है 3×10^8, ठीक है। चलिए तो ये एक फॉर्मूला हो गया, तो इसका दो तरीके हैं, एक तो इसका वैल्यू रख दो 6.6, मैं ऑलमोस्ट 6 रख देता हूँ, 10^-34 इंटू सी 3×10^8 और लेमडा, लेमडा ये 300 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10^-6, माइक्रो मतलब 10^-6, सबको मीटर वाली यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो आंसर आने वाला है, ये आंसर किस में आने वाला है आपका, जूल में आने वाला है, किस में आएगा आपका, जूल में आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर क्या आएगा आपका, जूल में आएगा। देखो कितना आ रहा है ये आंसर, ये आ रहा है 10^-4, -4 तो ये -30 हो गया, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6×10^-30, 10^-22 जूल ये आ गया, ठीक है।
ये एनर्जी का वैल्यू आ गया आपके पास में जूल में। अब मोस्टली जगह पर जूल में नहीं गिवन होता, जूल में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कई बार क्या होता है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में भी पूछा जाता है, कई बार जूल की टर्म में आता है, मतलब दोनों चीज़ें आपको काम में लेनी आनी चाहिए। तो अगर मान लो कि जूल में आ गया आपका आंसर और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो उससे डिवाइड कर दो, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये जूल में आ गया ना, तो एनर्जी 6 × 10⁻²⁹ / 1.6 × 10⁻¹⁹, ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गया एनर्जी। क्लियर है? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी कई बार जरूरत पड़ती है, बार बार ये करके फिर चेंज करोगे, उसमें टाइम भी लगता है। अगर आपको कहीं पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसी प्रोसेस को, जो कि थोड़ा सा इजी वे है। देखो कैसे, ये है ई इक्वल टू, यहाँ पर नीचे चलते रहना इसको, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये जो फॉर्मूला है, एच और सी का अगर मैं वैल्यू पुट करूं और उसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो फाइनली ये जो वैल्यू मिलता है, ये मिलता है 12400, और ये जो लेमडा है इसको रखना एंगस्ट्रोम में। अगर लेमडा को एंगस्ट्रोम में रखते हो तो ये आपको वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ आया? कुछ बुक्स के अंदर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बुक्स क्या ये ऐसा हो गया ना, अगर मैं एंगस्ट्रोम में इसको नैनो में कन्वर्ट कर दूं तो एक जीरो इधर से भी कैंसिल हो जाता है, तो ये लेमडा आप नैनोमीटर में ऐसे रख सकते हो। तो फिर लेमडा को नैनोमीटर में रखना, ठीक है ना, नो नैनोमीटर में रखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, दो से कन्फ्यूज हो जाओगे। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो डायरेक्ट आप फटाफट आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 12400। लेमडा कितना है आपका, लेमडा कितना गिवन था आपको, लेमडा 300 माइक्रोमीटर गिवन था, है ना, तो लेमडा आपका था 300 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ मीटर, ये था। आपको इसको किस में कैलकुलेट करना है, एंगस्ट्रोम में कन्वर्ट करना है, पहले एंगस्ट्रोम में रखना है, जब यहाँ पे रखोगे तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये। तो एंगस्ट्रोम में पुट करने के लिए एंगस्ट्रोम क्या होता है, 10⁻⁻, तो 10⁻⁻ है ना, तो 10⁻ इसको -10 कब बनेगा, जब 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो, तो इसको आप एक काम करो 10⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁴ से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ऐसे आएगा। ये वैसे ही बताने की चीज़ नहीं है, ये आ जानी चाहिए, ये आ जाएगी कैलकुलेशन से, बट मैं यहाँ पे फटाफट आप कैसे, अगर किसी के ध्यान में नहीं रहा हो, बचपन का कैलकुलेशन ख़राब है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेमडा आपका जो है यहाँ से आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁰, जो कि एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और ये जो बाकी बचा ये आ जाएगा 3 × 10⁶ हो गया, और ये क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम में आ गया। ये ऐसे आंसर मिल जाता है आपका एंगस्ट्रोम में, जो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3 × 10⁶। अब ये आंसर आ जाएगा आपका जो भी आएगा, मतलब कैलकुलेटर में ज़्यादा वैल्यूज पुट नहीं करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करने का नहीं, ये तो देखते ही हो जाता है, मतलब विद इन 5 सेकेंड ये आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो, ये कैलकुलेट करने का नहीं होता है, बट मैं बता रहा हूँ अभी बेसिक कैलकुलेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का ये फॉर्मूला भैया ध्यान रखना, बहुत जगह पर स्पीड के लिए काम में आएगा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी बार ये यूज करना पड़ेगा आपको, ताकि स्पीड आ जाए। अदरवाइज वो तरीका है जैसे बताया, जूल में कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, दैट इज ऑल्सो ए पैटर्न। चलिए ये यहाँ तक हो गया, इसमें कुछ हमने ऐसे कोई खास बातें नहीं सीखी है, बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सीखी है, ठीक है। लेकिन कोई कैलकुलेशन तो होना चाहिए, एग्जाम में कैलकुलेशन ही आएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट नहीं, तो चलिए हम आगे चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चले, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस की, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। अभी तो क्वेश्चन से बात नहीं की, अभी हमने ना एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्या
फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मटेरियल if kinetic energy of ejected electron kinetic energy of ejected electron is 5 electron volt when the frequency when the incident light इज कितना, एक सेकेंड, मुझे अगर मैं कितना करूं, इज 124 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट करो एक बार क्या पूछा गया है। देखो किसी भी टॉपिक पर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं ये बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका अपना एक इम्पोर्टेंस और ये बहुत ही काम की बात है कि कभी कभी भी कोई भी टॉपिक अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप उस पर क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। आपको लगे कि यार मुझे को टॉपिक समझ आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, मैं इस पर सब कुछ कर सकता हूँ, तो उस पर क्वेश्चंस बनाया करो कि मैं खुद क्वेश्चंस बना के उनके जवाब बनाऊँ, ठीक है। तो आपका क्या है कि एक वो टॉपिक जो बहुत एक बहुत लेवल पे पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें है ना ऐसे एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा कि हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ये छाप लीजिए क्या, इसको कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। हाँ जी बताइए, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए। देखो कैसे करोगे, आइए क्या पूछा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा, मतलब न्यू नॉट का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ, और इनमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम है, मैं कहीं पर भी अगर काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये है। आपको क्या गिवन है, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है क्या, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट k गिवन है आपको, k का वैल्यू कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और क्या गिवन है, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज दिस वन, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ भी गिवन है, मतलब लेमडा गिवन है एक्चुअल में आपको, k इक्वल्स टू क्या है ये होता है hc बाई लेमडा, कर दो इसको, तो आपको लेमडा भी गिवन है, लेमडा कितना गिवन है आपको,
1240 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपको पूछा गया ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया है। चलिए तो आप एक काम कीजिए ना, पहले हाँ फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये टर्म को छोड़ दीजिए। ये कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना है, ये होता है 12। ये लेमडा को आप अगर लेमडा गिवन है तो आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, इधर अगर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में गिवन है तो। अगर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, जूल में है, तो फिर इधर इसको इस फॉर्मूले से 1240 वाले से 1240 वाले 400 से फॉर्मूले से करने से जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर इधर जूल में गिवन है तो आप फिर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले से मत करो, फिर सिंपल लेमडा का वैल्यू पुट कर दो मीटर में, एच का वैल्यू पुट कर दो, सी का वैल्यू पुट कर दो, और फाइनली आप वैसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये एच का वैल्यू, एच इसका वैल्यू होता है 12400 अपॉन लेमडा का वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो 1240, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये जो भी आंसर आएगा ये आएगा एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट वैसे क्या है, ये वर्क फंक्शन ही तो है, तो अगर वर्क फंक्शन पूछा जाए तो डायरेक्ट आ जाएगा ये। तो ये क्या है, 10 आ गया क्या, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10 माइनस ये एच न्यू नॉट, तो एच न्यू नॉट का वैल्यू आ गया आपके पास में क्या, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 माइनस 5, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में क्या आ गया, वर्क फंक्शन का वैल्यू आ गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसे कोई बहुत ही ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से आ गया मैं ये, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल, राइट। आगे चलिए, आगे अगर आपको न्यू नॉट कैलकुलेट करना है तो आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, एच का वैल्यू आपको जो पता है वो जूल वाले टर्म में पता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग से आप जूल में कन्वर्ट करके लाते हैं ना तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता, ठीक है ना। तो आप लास्ट में जाके कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से कैलकुलेशन करना ईजी रहता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करना है तो 1.6 × 10⁻¹⁹, ये आ गया जूल। और ये एच है, एच का वैल्यू 6 × ⁻¹⁴, ये जो भी वैल्यू है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, आपके पास में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग जिनकी प्रैक्टिस कम होती है, जिनको लगता है यार कंसेप्ट तो समझ आ गया, प्रॉब्लम क्या होती है मैं ये बता देता हूँ। लोग इसको देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन सबको समझ आता है और सबको ये भी पता है कि करना है ऐसे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और लगाना स्टार्ट भी कर देते हैं। लेकिन लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एच का वैल्यू रख देंगे, फिर सी का वैल्यू रख देंगे, लेमडा का वैल्यू रख देंगे मीटर वगैरह में, फिर ये जो आंसर आएगा ये जूल में आ जाएगा, फिर इसको भी जूल में कन्वर्ट करते रहेंगे, फिर इधर वाला वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, और कैलकुलेशन टफ हो जाती है फिर कुछ बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गया या ऐसे लगने लग जाता है कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत टफ है, हो नहीं रहा, टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर इस तरीके से करते करते 2-4 मिनट में वो परेशान हो जाता है। और एग्जाम टाइम में क्या है कि मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, अभी आप घर पे बैठ के करोगे तो हाँ बहुत ही ऐसे कूल सा फील होता है कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट भी ले लेते हैं आप, 15 मिनट भी ले लेते हैं, तो आपको प्रेशर फील नहीं होता। एग्जाम में रहता है कि फटाफट टाइमिंग में करना है, उस सिचुएशन में इस टाइप की मिस्टेक करना सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो ये वाला, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके आगे कहीं पे फ्रीक्वेंसी को किस में कैलकुलेट करना है यूनिट का भी ध्यान रखा करो। ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें आप ध्यान रखा करो कि ऑप्शन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से भी चला करो, ठीक है। चलिए हाँ जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच आ रहा है, सब लोगों का आंसर आया भी, अरे वाह क्या बात है, चलो बहुत सही है। आगे चलिए हम लोग, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो कुछ और क्वेश्चन बनाए क्या, और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी of incident, the frequency of incident light
becomes twice, then the kinetic energy, then the kinetic energy of ejected electron becomes three times then find out work function. एक सेकेंड में एक दूसरी बात और बता देता हूं आपको. पहले यहां पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, लैंग्वेज की बात बता रहा हूं, एक लैंग्वेज किस तरीके से और भी बोला जाता है इसको. यहां पर ये न्यू नोट क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो ये जब मिनिमम होता है तो लेमडा नोट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्चुअल में ये लेमडा नोट क्या है, मैक्सिमम है. मतलब मैक्सिमम होने का मतलब है कि इससे ऊपर अगर लेमडा का वैल्यू लेके जाओगे तो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और अगर इससे नीचे फ्रीक्वेंसी लेके जाओगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. दोनों के टर्म्स में मैं ऐसे बोल सकता हूँ. तो कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करो, मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करो टू अकर दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना होता रहे, उसके लिए मैक्सिमम लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करो. अब जो मैक्सिमम लेमडा का मतलब क्या हो गया, कि ये लेमडा नॉट बोला गया है आपको, समझ में आया. तो इस चीज का ध्यान रखना, यहां से ध्यान रखना. ये क्या है, टर्म्स है जो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता. ये मैक्सिमम वेवलेंथ लिख लेना आप इस क्वेश्चन में ही, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाँ यार इसका मतलब क्या है. ठीक है, छाप लीजिए वो. हाँ जी, राधे राधे. कौन कर रहा है, महेश. अरे वाह महेश. हाँ जी, हो जाएगा ये, आगे चले. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. तो क्या ये क्वेश्चन कीजिए, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सोचिए इसके बारे में मैंने क्या बोला है. एक मिनट का टाइम देता हूँ, एक मिनट में आप सोचिए, फिर मैं करवाता हूँ. हाँ जी, आप क्वेश्चन कीजिए. देखो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं या कुछ टाइम से ही प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भी सारा सीरीज, वीडियो सीरीज डाल दिया है. उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, असाइनमेंट्स, डाउट सब कुछ अपलोडेड है यहीं पे प्लेलिस्ट में, इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे, और वो उसके ऊपर भी है, हमारा जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर भी है. कुछ टाइम बाद में यूट्यूब से रिमूव कर दिए जाएंगे वो. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोगों ने, ऑपरेशनल एम्पलीफायर चल रहा है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से पहले का जो पोर्शन है, सर्किट थ्योरी, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, जेनर डायोड्स और फिल्टर वगैरह, सॉरी रेक्टिफायर वगैरह, फिर ट्रांजिस्टर, ये सब कुछ हम लोग अपलोड कर चुके हैं. तो देखिए, डिसाइड कीजिए आपको समझ आता है कि नहीं. फिर अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर किसी को सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन करना है तो सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं, कि हम लोगों को तो एक सिंगल सब्जेक्ट ही पढ़ना है. वैसे भी लोग आते हैं, सीएसआर नेट वाले काफ़ी लोग आते हैं, तो किसी को सिंगल इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करनी है कि सर हमको तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चाहिए, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर भी पढ़ सकते हो. आपको जो मुझसे समझ में आता है अच्छे से, आपको लगता है कि ये अच्छे से समझ आता है, ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, लेकिन कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि यार हम लोग नहीं कर सकते, या हमारा दो तीन सब्जेक्ट तो ठीक है, हमारा तो एक दो सब्जेक्ट वीक है, तो उनका भी कोचिंग कर सकते हैं. मैं सीएसआर नेट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, इसका कैलकुलेट किया किसी ने, देखो कैलकुलेट भी किया होगा तो यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे. तो अभी देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा इसका आंसर, अभी भी क्वेश्चन बना है. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिकम्स ट्वाइस, फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने डबल कर दिया,
देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स 3 times. अगर आप इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे. सपोज ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. या मैं इसको वर्क फंक्शन ही लिख लेता हूँ क्योंकि वर्क फंक्शन के टर्म्स में बात कर रहा है ना. एक कोई मटेरियल है इसके ऊपर आप एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक है. फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हो. तो इस लाइट इंसिडेंट करने से आपका काइनेटिक एनर्जी है कुछ, जो भी एनर्जी आया काइनेटिक एनर्जी कुछ आया के, ठीक है. और ये जो मटेरियल है इसका वर्क फंक्शन है W. फ्रीक्वेंसी कितना है, जैसे न्यू नॉट का फ्रीक्वेंसी, पहले टर्म में जो भी आया आपने न्यू फ्रीक्वेंसी आया और ये सब कुछ मिल गया. अभी ये बोल रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कर दूँ डबल, मान लो कि फ्रीक्वेंसी कर दूँ डबल, तो मतलब एच इंटू टू न्यू कर दूँ, ये कर रहा हूँ एच इंटू टू न्यू, डबल कर दिया. वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, सेम मटेरियल है ना, तो वर्क फंक्शन तो रहेगा सेम. तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 3 times हो जाता है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दो स्टेप में सुनना, कि मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज की है तो चीज़ चेंज हो गई, कि काइनेटिक एनर्जी हो गया डेस, फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू डेस, और वर्क फंक्शन तो सेम ही क्योंकि सेम मटेरियल काम में ले रहे. डिफरेंट मटेरियल होता तो ये अलग होता, ठीक है. अभी देखिए, ये हमने इसको लिख लिया, अभी किसको लिखा, ये इसको लिख लिया कि फ्रीक्वेंसी किया डबल तो काइनेटिक एनर्जी किया ट्रिपल, ठीक है. तो ये हो गया, अब एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया. मुझे कैलकुलेट क्या करना है, W कैलकुलेट करना है. W कैलकुलेट करना कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए क्या है, W कैलकुलेट करना है तो मैं डिवाइड कर दूँ क्या इसको, डिवाइड कर दूँ, चलो डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करते हैं तो क्या करा है, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 / 1, तो ये हो जाएगा 3, और इसमें आ जाएगा एच टू न्यू माइनस W अपॉन एच न्यू माइनस W, ये हो गया ना. तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 h nu माइनस 3 w 2 h nu माइनस W. ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें से एक W जाएगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा 2 w. ये इधर आएगा तो h nu बच जाएगा, तो W का जो वैल्यू आया क्या आया आपके पास में, h nu बाई 2, ठीक है. क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है. अगर इस न्यू का वैल्यू गिवन होता तो न्यू का वैल्यू पुट करके हम लोग फाइनली W का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे कि क्या है, वर्क फंक्शन आएगा कितना, क्लियर है. अगर मान लो कि आपको W नहीं गिवन होता, सॉरी आपको न्यू नहीं गिवन होता, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होता, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप इसको सोल्व कर सकते थे. मान लो आपको इसमें क्या होता, आपको अगर न्यू गिवन होता तो न्यू गिवन वैल्यू पुट करके आप W का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे. लेकिन अगर आपको मान लो W न्यू गिवन नहीं है, आपको क्या काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो आप अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होता आपको तो क्या करते हैं, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता होता, न्यू नहीं पता होता आपको और W कैलकुलेट करना होता, तो न्यू को रिमूव करते आप यहां से. तो हमने किसको रिमूव किया, K को रिमूव कर दिया. फिर अगर आपको K गिवन होता तो न्यू का वैल्यू पुट कर सकते थे. तो न्यू अगर मतलब न्यू को हटा दो तो के में आ जाएगा. तो देखो न्यू को कैसे हटा सकते हो, यहाँ से दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. मैं क्वेश्चंस के बता रहा हूँ किस किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है. अगर मान लो कि यहाँ पर तो न्यू, अगर न्यू में आ गया आंसर तो न्यू गिवन है तो कैलकुलेट कर लोगे. लेकिन अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी गिवन होता तो न्यू नहीं गिवन होता, तो आप इसको न्यू को हटा देते यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रख लेते. तो न्यू को हटाने के लिए क्या करते हैं आप, इसको सेम रख के यहाँ से माइनस करना पड़ेगा. तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2k और ये हो जाएगा 2 h nu माइनस 2 w, और ये नीचे वाला क्या है 3k और 2 h nu माइनस W, ये है. तो आप इसमें से दूसरे को माइनस कर दो, तो इसमें से ये 2 मान लो, इसको 1 कर लो, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, ताकि क्या ये हट जाएगा, फिर k के टर्म्स में आएगा और k अपने पास गिवन है तो k के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे. न्यू गिवन होता तो ऐसे कर लेते हैं, k को रिमूव कर देते हैं. समझ में आता है ना, तो सिंपल ये 10th स्टैंडर्ड की इक्वेशंस का सोल्व करना बता रहा हूँ. लेकिन क्या है कि लोग अप्लाई नहीं कर पाते, मेन चीज़ ये है कि लोग इंप्लीमेंट कर नहीं पाते इस चीज़ को. तो माइनस करो 2 - 3, ये क्या आ जाएगा 3 में से 2 क्या आ जाएगा, इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया माइनस W प्लस W, ठीक है. तो ये क्या आ गया
W इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू गिवन है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आ जानी चाहिए, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, कई बार बोल दिया जाता है कि वेलोसिटी डबल हो जाए, क्या बोला जाता है? वेलोसिटी डबल हो जाए, वेलोसिटी इतना हो जाए, वेलोसिटी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठीक है, अच्छा मैं इसको वी बोल रहा हूँ कि न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी, किसी का किसी ने किया, अभी किसी को डाउट है तो बता दीजिए भैया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी किसी को अगर डाउट है इसके अंदर तो मुझे बता दीजिए, डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, कमेंट करके बता दीजिए, यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? हाँ जी, किसी को डाउट है तो बताइए भैया, आगे मूव करें बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लें क्या? चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं भैया। पहले तो ये बता दूँ इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, अगर कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर नहीं है। ठीक है, किसी को हो तो बता देना। देखो क्वेश्चन बनाए हैं, चलो इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन becomes twice, then maximum velocity of ejected electron maximum velocity of ejected electron becomes 3 times या 4 times लिख लो, देन फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इफ व्हाट लेमडा कितना है? 1240 एंगस्ट्रॉम। करिए कैलकुलेट, हाँ जी जय जय पूछ रहे हैं कि एक बार स्माइल कर दीजिए, खुश, चलिए अभी करिए। हाँ जी भैया, करिए 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 इसको।
हाँ जी, क्या हुआ इसका? करिए, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, मतलब वो पहले वाला समझ आ गया होगा तो ये हो जाएगा आराम से, है ना? वेलोसिटी के टर्म्स में बोल दिया। अभी देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस और करवाता हूँ, अच्छे मतलब ये भी अच्छे हैं, इनमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ये तो सीधे सीधे हैं। इनमें तो थोड़ा सा गेम इक्वेशंस का है कि इक्वेशंस के साथ में आपको होना चाहिए आपको कि हाँ हम लोग कर पा रहे हैं इक्वेशंस को सॉल्व। करिए भैया, फटाफट करिए इसको, कैलकुलेटर लेके बैठा करो, है ना? कैलकुलेटर मोबाइल में मत रखा करो, मोबाइल वाला कैलकुलेटर तो खैर हेल्प ले सकते हो, लेकिन जब कैलकुलेटर मोबाइल वाला यूज करोगे तो आप फिर क्लास में डिस्टर्ब होता रहेगा ना, आपको क्लास को बंद करके देखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए करते हैं, देखो क्या आएगा। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिकम्स ट्वाइस देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फोर टाइम्स। सपोज स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना है, जो भी है, ये फॉर्मूला है मुझे ये पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे वी मैक्सिमम स्क्वायर, है तो ये क्या आ जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये है स्टार्टिंग की कंडीशन में, ये है ये इक्वेशन है। अब ये बोल रहा है कि क्या वेवलेंथ कितना कर दिया मैंने, वेवलेंथ किया है कि कुछ ट्वाइस कर दिया, वेवलेंथ इंसिडेंट का वेवलेंथ ट्वाइस किया, तो इसको वेवलेंथ में चेंज कर लो पहले, तो न्यू को सी बाई लेमडा में कर लो, तो वेवलेंथ को ट्वाइस किया, वेवलेंथ को वेवलेंथ को ट्वाइस कर दिया क्या? तो आप एक काम करो, वेवलेंथ को जब ट्वाइस करेंगे तो ये क्वेश्चन गड़बड़ बन गया भैया, वेवलेंथ बढ़ाया है ना हमने तो ये वेलोसिटी कभी भी बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो वेलोसिटी को मैं 1/4 कर देता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब फ्रीक्वेंसी कम हुआ है, वेवलेंथ बढ़ा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा, तो ये क्वेश्चन का फ्रेम गलत था, मतलब ये वैल्यूज मिस्टेक यहाँ पर गलत थे, ऐसा नहीं होगा, कम होगा ये पहले वाले के कंपेरिजन में, तो मैं इसको 1/4 कर लेता हूँ। देखिए अभी सुनिए, अगर ये चीज किसी को करते वक्त पता चली होगी कि सर ये तो क्वेश्चन का फ्रेम गड़बड़ है, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर ये नहीं पता चली तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें बोला गया कि लेमडा ट्वाइस कर दूँ, लेमडा ट्वाइस कर दूँ मतलब एच सी बाई टू लेमडा कर दूँ मैं, है ना? वर्क फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है, तो सेम वर्क फंक्शन सेम थ्रेशोल्ड रहता है। इसका जो वेलोसिटी वो कितना हो गया, 1/4 कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी 1/4 कर रहा हूँ, तो पहले जो वेलोसिटी था उसका 1/4 हो जाएगा, मैक्स का 1/4 ऐसा आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया, 1/2 ये इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया 1/16 आ गया, ठीक है, और ये कितना हो गया एच सी बाई टू लेमडा माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो अपने को वैल्यू किसका गिवन है, लेमडा का गिवन है, लेमडा का वैल्यू गिवन है, इसका मतलब हम मैं वेलोसिटी वाला पार्ट हटा देता हूँ, है ना? इसको हटाने के लिए डिवाइड कर दो इसको, और अगर मान लो वेलोसिटी का वैल्यू गिवन होता तो लेमडा को हटा देते, और लेमडा को हटाने के लिए इसको और इसको सोल्व कर लेते, कैसे करते, इसको टू, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों में सेम आ जाता, फिर माइनस कर लेते जिसे पहले किया। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इनको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये वाला टर्म ये वाले पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1/16 बचेगा, 16 ऊपर चला जाएगा, और इसके अंदर आएगा एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू, और इसमें आएगा एच सी बाई टू लेमडा माइनस डब्ल्यू, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया 8hc by lambda minus 16w equal to hc by lambda minus w। अब ये देखिए ये क्या आ जाएगा, इधर 15w आ जाएगा 15w, और ये इधर से माइनस होगा तो 7hc by lambda आएगा। तो ये जो भी आया वर्क फंक्शन आपका कैलकुलेट कर लेना यहाँ से,
वर्क फंक्शन है एच बाई 15 इंटू एच सी बाई लेमडा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कैलकुलेट करना है, अगर मान लो ऑप्शन में आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आप इसका तो वैल्यू रख सकते हो कितना 12400, और ये लेमडा कितना एंगस्ट्रॉम में रख लो, कितना गिवन है 12400 गिवन है, 12400 1240, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा यहाँ से आंसर, ये 10 टाइम्स आ गया, ठीक है, तो ये हो गया 70/15। तो ये क्या आएगा, ये आएगा करीबन 4.8 के राउंड जो भी आ रहा है, ये आ गया भैया। वर्क फंक्शन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, इसमें क्योंकि लेमडा गिवन था ना, लेमडा गिवन था तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कैसे किया, इसको डिवाइड कर दिया। अगर लेमडा नहीं गिवन होता, वेलोसिटी गिवन होता, तो अब हम लोग लेमडा को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, दो इक्वेशन है, ठीक है ना। ये गेम समझ आया कि नहीं ये बता दीजिए, ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, यहाँ तक चमका कि नहीं। अगर यहाँ तक चमक गया तो बता दीजिए, फिर मैं एक नया टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अभी ये सिखाने का मतलब यही था कि आप इस इक्वेशंस के साथ, इन इक्वेशंस के साथ में आपको सोल्व करना आना चाहिए, है ना। कभी ये भी गिवन हो सकता है इसके टर्म्स में भी, ये वाला भी, ये पोटेंशियल वगैरह भी गिवन हो सकता है, तो वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है, असाइनमेंट में डाल दूंगा मैं, क्लियर है। तो ये गिवन है तो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप पोटेंशियल वगैरह जो भी है, क्लियर। चलो दूसरी बात पे पहुंचे, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट 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 चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि, अरे हो गया ना सबका क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम लोग ये कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसा है कि, और ये इम्पोर्टेंट, अभी जो करवाने वाला हूँ ना ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा है कि, ऐसा है कि ए साइन ओमेगा 1t प्लस बी साइन ओमेगा 2t, क्या बोल रहा हूं सुनना मेरी बात। एक फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट है, देयर इज अ फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट, यहां से कोई एनर्जी सोर्स है, वहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां पे आप ऐसे समझ लीजिए क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका सीन ये है, क्या ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका सीन ये है कि इस लाइट के अंदर, इस लाइट के अंदर दो टाइप के फोटोन आ रहे हैं। मतलब जैसे ऐसे हो सकता है ना कि एक लाइट भेजी मैंने, उसमें रेड कलर की लाइट भी आ रही है और ब्लू कलर की लाइट भी आ रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो दो टाइप के कलर की लाइट आ रही है, मतलब दो टाइप की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर, राइट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एक तो ओमेगा 1 वाली आ रही है, एक ओमेगा 2 वाली आ रही है, दो टाइप की फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा नॉट, ये W नहीं है, ये ओमेगा समझना इसको, ये मैं लिखता दोनों को एक तरीके से हूँ जो कि मेरा मिस्टेक है, लेकिन आप ये इसको ओमेगा बोल रहा हूँ, ओमेगा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट इसको भी फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है। हम लोग पता कैसे करते हैं, यूनिट से, जैसे मैंने बताया था यूनिट से हम लोग पता कर लेते हैं, बट यहाँ पे इक्वेशन में तो आपको पता रहता है कि ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है, 2π ν होता है, क्लियर है। ये अपना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट होता है पर सेकेंड या हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज या वो जो भी हर्ट्ज में, और ये जो होता है रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से आता है, राइट। ये चीज है या रेडियन हर्ट्ज। तो ये हम एक लाइट सोर्स से लाइट भेज रहा हूँ, इसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहा हूँ, उसमें दो टाइप की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, एक तो ओमेगा 1 वाली है, एक ओमेगा 2 वाली है, और इसका जो वेवलेंथ है, सॉरी इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। तो मुझे कुछ चीजें बताओ आप,
थ्रेशोल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी, या इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो है ही है लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या इसको, फ्रिक्वेंसी ही बोल रहे हैं, ध्यान रखना इसको। मैं बोल फ्रिक्वेंसी रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जगह पे फ्रिक्वेंसी बोल दिया जाता है। यहाँ से देख के पता लग जाएगा कि ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये है क्या, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। मैं लिख देता हूँ खैर, नहीं तो आपको गलत ध्यान रह जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर अगर पहला केस, इफ दो टाइप की लाइट आ रही है, मतलब एक तरीके से आप समझिए कि दो टाइप के फोटोन आ रहे हैं, एक टाइप का फोटोन है किसी इलेक्ट्रॉन से जाके कोलिजन किया और उसको इलेक्ट्रॉन के निकाल के इलेक्ट्रॉन को निकाल कर भेज दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक दूसरा आया, वो निकाल के भेज दिया, उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी क्योंकि उस फोटोन की एनर्जी अलग थी, इस फोटोन की एनर्जी अलग है, तो दोनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो निकल के गई उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इफ W नॉट इज ग्रेटर देन W1 एंड W नॉट इज ग्रेटर देन W2, W नहीं है सॉरी ओमेगा है, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक सिचुएशन तो ये है, दूसरी सिचुएशन इफ W नॉट इज ग्रेटर देन W2 बट W नॉट इज लेस देन W1, देन के मैक्सिमम। इफ W नॉट इज ग्रेटर देन W1, W नहीं है ओमेगा है, फिर से बोल रहा हूँ पर मेरा क्या आदत पड़ गई है, हाँ जी W नॉट इज लेस देन W2 तो K मैक्सिमम। फोर्थ, इफ W नॉट इज लेस देन W1 एंड W नॉट इज लेस देन W2 देन के मैक्सिमम। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्वेश्चन तो ये है, ये तो इसे टाइम पास है, पर बताइए सारे बताइए बताइए क्या, एक बार ट्राई कीजिए, एक मिनट का वक्त है आपके पास में, ट्राई कीजिए। हाँ जी फटाफट कीजिए, एक बार देखिए क्या सीन रहता है, समझ आ जाएगा। हाँ जी बताइए बताइए बताइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखिए बताऊं मैं बताता हूं, सुनिए
ऐसा है कि यहाँ से दो फोटोन आ रहे हैं ना, इस सिनेरियो को समझना, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वन, इसकी है ओमेगा टू। अब पहली चीज तो आप ये देखो, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है ना, उसी फोटोन से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कम है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर दोनों की कम है तो दोनों से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अगर किसी एक की ज़्यादा है एक की कम है तो जिसकी कम है उससे होगा नहीं, जिसकी ज़्यादा है उससे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दोनों की ही ज़्यादा है, दोनों की ही ज़्यादा है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उससे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। दोनों से है तो दोनों की ग्रेटर है तो दोनों से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, दोनों से ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात समझ आती है। तो देखिए यहाँ पे पहला केस, पहले केस में तो हमने बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा वन से भी ज़्यादा है, मतलब इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, इंसिडेंट दोनों का ही कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। सिंपल, तो पहले का आंसर क्या आएगा, जीरो। के चलिए पहले का आंसर के मैक्सिमम क्या आएगा, जीरो, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है। चलिए सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड पे क्या आएगा, ये है कि ओमेगा नॉट ओमेगा टू से ज्यादा, मतलब ओमेगा टू जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो इससे तो कुछ होगा नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये ग्रेटर तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, के मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही होता है। बट यहाँ पर तो ओमेगा की टर्म में, ओमेगा की टर्म में तो हम लोग क्या करें, इसको एच कट ओमेगा नॉट लिख लेते हैं, एच कट ओमेगा नॉट माइनस एच कट ओमेगा, सॉरी ये। और कौन सी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, इंसिडेंट का फ्रीक्वेंसी कितना, ओमेगा वन, ओमेगा वन वाले से होगा तो ये होगा, ये क्या मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या है, ओमेगा वन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो इससे तो होगा नहीं, ओमेगा वन से तो नहीं होने वाला, इससे होगा क्योंकि ये ग्रेटर है, इससे होगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये है, मतलब अब की बार ओमेगा वन की जगह क्या आएगा, ओमेगा टू, टू काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, के मैक्सिमम क्या आएगा, एच कट ओमेगा टू माइनस एच कट ओमेगा नॉट। हो गया, ये तीनों क्वेश्चन तो ऐसे टाइम पास थे। अभी जो इंपॉर्टेंट बात समझने की, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहां से जनरेट होता है, क्या है, हाँ कालू समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए इसकी बात करते हैं, इसमें ऐसा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है ओमेगा वन भी, ये भी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है तो दोनों से ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, दोनों से ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। सपोज पहले, पहले से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एच कट ओमेगा वन माइनस एच कट ओमेगा नॉट, ये होगी पहले से, इसको मैं वन कर देता हूँ। सेकंड से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, एच कट ओमेगा टू माइनस एच कट ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट तो दोनों के लिए सेम है ना क्योंकि सेम मटेरियल पर आ रहे हैं, तो ये आएगा के मैक्सिमम टू, ये है तो ये के मैक्सिमम टू है, ये के मैक्सिमम वन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये फर्स्ट से है, ये ओमेगा वन वाले फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन से जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और सेकंड से जब निकल के आएगा ओमेगा टू वाले से तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी ज्यादा होगी, क्योंकि ये टर्म तो दोनों का सेम है, जिसका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ओमेगा टू ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा। अभी मैंने कुछ बताया नहीं यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोल दूँ स्टार्टिंग में कि ओमेगा टू जो है ना वो ग्रेटर है ओमेगा वन से, मान लो
या हम लोग यहां पे कंडीशन ही ले सकते हैं, अगर ओमेगा टू ग्रेटर है, इफ ओमेगा टू ग्रेटर है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ओमेगा टू ग्रेटर है तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर ओमेगा वन ग्रेटर है तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आता ना? तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तब भी बोल दिया जाता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड से और पूछा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो उससे निकलेगा जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जिसका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, राइट। तो इफ ओमेगा टू इज ग्रेटर देन, तो के मैक्सिमम टू ग्रेटर होगा के मैक्सिमम वन से, मतलब आपको आंसर क्या बताना, ये आंसर है, ये आंसर है, मतलब के मैक्सिमम टू इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दिस पर्टिकुलर केस इन फोर्थ वन व्हेन बोथ द फ्रीक्वेंसीज आर ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो ये हो गया आपका सीन कंप्लीट, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए भैया। हाँ जी, ये क्लियर है कि यहाँ तक? अरे कुछ लोगों ने आंसर भी किए थे, अरे वाह। सब लोग बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है ना? चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देता हूं इस पे, फाइंड आउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो भैया, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम कैलकुलेट करो, मैक्सिमम वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अभी अभी फ्रेश बनाया है। आंसर आया है 2। अरे वाह, आंसर आ भी गया, दो लोगों के आंसर भी आया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता भैया क्या आने वाला आंसर, देखते हैं देखते हैं, है ना। चलो देखो, बात को सुनो, ओमेगा नोट है कितना? ओमेगा नोट है 3/h कट। ओमेगा कितना है? 5/h कट। और इसका मतलब है कि ओमेगा जो है ओमेगा नॉट से ग्रेटर है। अब जो इंसिडेंट लाइट है, जो मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है ये देखो। पहले तो इंसिडेंट लाइट के अंदर एक तो ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, एक ये लाइट है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो दो टाइप की लाइट इंसिडेंट हो रही है, एक तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, एक 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का। इसको मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 कुछ और भी बोल सकता था, लेकिन दो टाइप की लाइट आ रही है, एक तो 2 ओमेगा की, एक ओमेगा की, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा गया है तो अपने को ऑब्वियसली बात है कि इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी लेकिन इससे मैक्सिमम नहीं आएगी, इससे मैक्सिमम आएगी, तो मैक्सिमम इससे आएगी, ठीक है ठीक है। हाँ, एक दूसरी चीज, ये साइन में है ये कॉस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी अगर साइन में चेंज करोगे तो केवल फेज में चेंज आएगा। फेज मतलब जैसे इसको अगर हम लोग चेंज करें तो आपके पास में जो आएगा, जैसे ऐसे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइ या माइनस फाइ या जो भी फाइ का वैल्यू आएगा, मतलब फेज चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए ये साइन में रहे, कोस में रहे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहे यहाँ पे कम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क ये पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी, इस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड कम है इसका मतलब एम्पलीट्यूड 1 ही है, इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी वाली ओमेगा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो आ रही है ना उसकी इंटेंसिटी कम है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे सपोज एम्पलीट्यूड है ए, तो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ऐसा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्या डिसाइड करती है? इंटेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो अपने को तो यहाँ पे के मैक्सिमम वगैरह के बारे में बात करनी है, तो इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं कर रही, अपने को फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी है। फ्रीक्वेंसी कॉस में रहे, साइन में रहे, किसी में भी रहे, ये काम चल जाएगा। आप दोनों से मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम हो जाएगा, ठीक है, चमका ना। तो ये क्या है, ये वाली एक तो ये है ओमेगा वन, तो मैं इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ऐसा है कि ओमेगा वन एक तो है 2 ओमेगा, एक इसको ओमेगा 2 बोल देता हूँ, सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितना है ओमेगा। तो मैक्सिमम किससे मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा इससे, ठीक है, क्लियर। चलिए पहले तो ये भी पता चल गया कि दोनों ही क्या है, इससे ग्रेटर है तो दोनों से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो दोनों से ही होगा, दोनों से होगा तो हमारे को मैक्सिमम चाहिए, तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, फॉर के मैक्सिमम, राइट। तो के मैक्सिमम के लिए ये यूज कर लो, और ये यूज करेंगे तो देखो क्या आएगा, के मैक्सिमम क्या आने वाला है आपका, एच कट ओमेगा माइनस एच कट ओमेगा नॉट, यही होता है। अब ओमेगा कौन सा काम में ले रहा हूँ मैं, ओमेगा वन, क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये ओमेगा वन लिख देता हूँ। एच कट ओमेगा वन का वैल्यू क्या है, ओमेगा वन का वैल्यू क्या था, ओमेगा वन का वैल्यू है 2 ओमेगा, क्या है 2 ओमेगा, ये ना फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, और ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू 5/h कट, क्या है 5/h कट। तो h कट
टू इंटू फाइव अपॉन एच कट, और ये क्या है एच कट ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट क्या है थ्री अपॉन एच कट, थ्री अपॉन एच कट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से थ्री बच गया और यहाँ से क्या बचा टेन बचा क्या, टेन माइनस थ्री तो क्या आया सेवन। कुछ लोगों ने मिस्टेक किया यहाँ पे डबल नहीं लिया, डबल नहीं लिया तो फाइव माइनस थ्री किया ना टू आया है, कुछ लोगों के टू आया है ना, ऑप्शन में आपको टू भी मिलेगा, जो इनका टू आया है वो उन्होंने कैसे किया है, यहाँ पर ओमेगा रख लिया और ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर लिया। अरे भैया ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी से भी आंसर आएगा, लेकिन ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी से क्या मिलेगा, ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी से आपको टू मिलेगा, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ये आई है ना। कंप्लीट केस की बात कर रहे हैं कि कंप्लीट केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, इससे भी आ रही है, इससे सेवन आ रही है, इससे सेवन आ रही है, इससे कितनी आ रही है, इससे टू आएगी। आप अगर ओमेगा ही रखोगे तो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी अगर ये रखोगे तो, क्योंकि लाइट जो है लाइट में दो टाइप की फ्रीक्वेंसी है, एक ये एक ये, ठीक है ना, ये डबल है देख पा रहे हो, तो ये ऐसा है। अरे फॉर्मूला जानते हो ना, ये होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई, या ऐसा भी होता है के अक्ष, अगर आपने पढ़ा हो तो वेव का थोड़ा सा फॉर्मूला इस तरीके से प्लस माइनस कुछ भी आ जाता है, अभी ये काम में नहीं आएगा, मतलब वेव का इक्वेशन कैसे बनता है ये मैं ऑप्टिक्स उसमें वेव्स में सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान रख लो ऐसे, ठीक है, चमकता है ना ये, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ओमेगा लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि यही फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ में भी कुछ चीज़ें दी हुई हो सकती है, ठीक है ना। कई जगह पे आप ऐसे देखोगे ऐसे भी आएगा, जैसे जैसे आ गया साइन फोर ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो यहाँ पर एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है कितनी, यहाँ पर एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है कि फोर अंदर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी फोर ओमेगा, ओमेगा का कुछ वैल्यू दे सकता है वो, इतनी वैल्यू है तो जो भी आएगा तो फ्रीक्वेंसी ये होगा 4 ओमेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, क्योंकि इक्वेशन जो होता है ना ये होता है, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, दोनों लाइट्स का सुपरपोजिशन होके भी हो सकता है क्या, ये पूछ रहे हैं। लेकिन पूजा देखो बात ऐसी है, दोनों लाइट्स का सुपरपोजिशन होगा तो इनका एक रिजल्टेंट लाइट बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात है, उसमें क्या होता है, हमने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, वन टू वन कनेक्शन होता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में आके इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो जो सुपरपोजिशन कर रहे हो वो तो आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि अगर मैं एक लाइट ये भेजूं एक लाइट ये भेजूं तो इनका रिजल्टेंट कितना मिल सकता है मुझे, वो तो आप अपने कैलकुलेशन पर्पज से या उसका कोई रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो अगर इसके अंदर मान लो कि यहाँ से चार टाइप के फोटोन आ रहे हैं, यहाँ से चार टाइप के फोटोन आ रहे हैं, ये चार टाइप के फोटोन आ रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका अलग है, इसका अलग कलर है, इसका अलग कलर है, सबके फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब सब फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो आप इनका भले सुपरपोजिशन करके एक रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट होगा, ये फोटोन एक अलग इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट होगा, ये फोटोन एक अलग इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट होगा, ये फोटोन एक अलग इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट होगा। अगर चारों फोटोन का फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से ग्रेटर है तो सबसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सी सिचुएशन में होगी, जिस इनकमिंग फोटोन का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उस सिचुएशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। यह बात समझ आती है कि नहीं, क्लियर है? अरे यह बात चमकती है, तो यह बात ध्यान रहनी चाहिए आपको, सही है कि नहीं है ये बताइए मुझे, सही है? अभी बता दीजिए ये समझ आया कि नहीं, ये चीज से समझ आएगा, ये है, इसको इस तरीके से समझना है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे है, अलग अलग आप देख सकते हो कि इतने टाइप की फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है अपने पास में, बताइए ये चमका कि नहीं। अभी किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर तो बता दीजिए,
ये जो आपके जो टू आ रहा था ना, काफी लोगों के टू आंसर आ रहा था, वो समझ आ गया होगा कि क्यों मिस्टेक हो रही थी। और ऐसे ही मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऐसे ही होते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, देख के आपको लगा होगा हाँ टू आ गया आंसर, लेकिन टू नहीं आया, बस लिखने का तरीका कुछ ऐसा था कि बस उलझ गए, राइट। अब बता दीजिए ये चमका कि नहीं चमका, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं जिसको डाउट नहीं है तो एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ क्लियर है, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझाना बहुत जरूरी है, ये चीज़ आएगी एग्जाम में, आप ये मान के चलिए, तो ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। बताइए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आगे चढ़ता हूँ। बताइए भैया, जे एस मैथमेटिक्स, नाइस सर, व्हाट नाइस। हाँ जी, किसी को है डाउट वाई क्या है? वाई इक्वेशन है, आप ऐसे समझ लीजिए वाई क्या है, ये वेव फॉर्म में गिवन है, तो वाई वेव का इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, वेव इक्वेशन है, वेव फॉर्म में गिवन है, जो इंसिडेंट लाइट है वो वेव फॉर्म में गिवन है, लेकिन वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी का पता चल गया तो अपने को वेव नेचर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये पता चल गया कि उसमें फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी आ रही है, तो मैं तो फोटोन नेचर से कर रहा हूँ क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन काम में आता है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को देख के, वेव इक्वेशन को देख के अपने को पता ये चल जाता है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। y इक्वल टू टू cos लेट ओमेगा इक्वल टू वन और एच कट इक्वल टू वन एंड ओमेगा नॉट इक्वल्स टू टू, देन के मैक्सिमम के मैक्सिमम बताइए। क्या आएगा भैया?
बताइए 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 फटाफट बताइए। हाँ जी, कुछ आइडिया लगा? दो फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स है इसके अंदर, दो फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स है, बताइए। सिक्स आंसर आया पंकज का। अरे पंकज बड़ी लेट आए हैं और आते हैं आंसर। अरे वाह, फोड़ दिया, बहुत बढ़िया। सिक्स आ रहा सबका। निखिल गुप्ता, निखिल पहली बार देख रहे हैं क्या? निखिल देखिए, मुझे नहीं पता क्या आएगा इसका। मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता हूँ इसके, है ना। तो मुझे ये पता है कि साइन या कॉस के टर्म में जो भी आता है वो होता है ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स या फाई, कुछ भी आता है। मैं उससे उससे मुझे मतलब नहीं है यहाँ पे, इस सिचुएशन में मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे जो काम में आने वाला है वो है टी के साथ में जो है ना वो ओमेगा है। टी के साथ में जो भी क्वांटिटी है वो ओमेगा है। अब देखो यहाँ पर टी के साथ में क्या है, टी के साथ में है थ्री। तो एक फ्रीक्वेंसी, तो मैं एक फ्रीक्वेंसी बोल लूँ ओमेगा वन, वो है कितनी, थ्री है। एक फ्रीक्वेंसी चेक करो इधर से, तो ये देखो मल्टीप्लाई होगा फोर इधर, तो कितना हो जाएगा एट ओमेगा। तो दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है, एट ओमेगा है। तो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है थ्री, एक का है एट ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू कितना है वन है। तो ये आगे कितना, एट। तो एक फ्रीक्वेंसी तो है थ्री और एक फ्रीक्वेंसी है एट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है टू। अब देखो अगर मैं ये बात करूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से दोनों ज़्यादा है, तो दोनों से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर किसी से नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिससे होता है, अगर एक से होता तो उससे आ जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से दोनों से हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो आपका क्या आएगा, के मैक्सिमम जो आएगा वो क्या आएगा, एच कट ओमेगा, इससे आएगा ओमेगा टू लिख देता हूँ इसको, माइनस एच कट ओमेगा नॉट। अब एच कट को मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए वन बोल दिया, ये वन बोल दिया, इसका वैल्यू है वन, ये है वन इंटू एट, और एच कट का वन इंटू ओमेगा नॉट एट टू, तो कितना आ गया एट माइनस टू इक्वल्स टू सिक्स। इस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते हैं, जो एनएटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एनएटी टाइप जिसमें वैल्यू फिल करना पड़ता है, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब ये वैल्यूज इस तरीके से दे दिए जाते हैं ताकि इजी हो जाए। अब देखो इसमें कंसेप्ट है जो भी है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, स्पेसिफिकली अगर मैं जेएम की बात करूँ, तो जेएम में कभी भी कैलकुलेशन टफ नहीं आएगी, कैलकुलेशन बहुत मतलब इजी बनाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद ये नहीं कि आप कैलकुलेटर कितना फास्ट चला सकते हो, या आपको मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये कितना फास्ट आता है, वो चेक करना नहीं है, वो कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो कंसेप्ट तो यहीं पे चेक हो गया कि आपको वेव का और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों का कंसेप्ट एक जगह पे चेक कर लिया उसने, हो गया। तो ये चीज अप्लाई करना आना चाहिए भैया आपको, कर पाएंगे? चलो बहुत बढ़िया, कर लीजिए, हो गया। अब एक नए टाइप, इसी में मैं नए फॉर्मेट में बताता हूँ, एक नए फॉर्मेट में सबका सिक्स आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या ही दिक्कत आएगी, सही है सबका, चलो बहुत बढ़िया है। आगे चले हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो एक, इसमें ऐसा दे दिया जाता कई बार, इसमें ऐसा दे दिया जाता कई बार, y इक्वल टू टू साइन ओमेगा वन टी प्लस थ्री साइन ओमेगा वन टी कॉस ओमेगा टू टी, अगर ऐसा आ गया तो। अगर ये इस तरीके से आ गया तो, अब इसमें देखो
ये वाला एक सिंगल टर्म है जो कि एक वेव का एक इंडिविजुअल पार्ट भी हो सकता है ना, मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी को रिनोट करता है। इसमें है दो टाइप की चीजें, जैसे मान लो कि मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लेता हूं, इसको टू बोल दूं, इसको थ्री बोल दूं, मतलब ओमेगा टू टी कॉस ओमेगा ओमेगा थ्री, सॉरी साइन ओमेगा टू टी और कॉस ओमेगा थ्री टी, ये इस टाइप की सिचुएशन बन गई है। तो इस टाइप की सिचुएशन को कैसे डील करें? मैं ये चाहता हूं कि मुझे या तो ओनली साइन का टर्म मिले इसमें या मिले ओनली कॉस का टर्म, तब तो मैं फिर मैं बता पाऊंगा कि हाँ इतने अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसमें या तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो या साइन या कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो जब इस टाइप की चीजें आती है क्वेश्चंस में तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है ना वो अप्लाई करने पड़ेंगे और इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा कि साइन और कोस में अलग अलग आ गए, ठीक है ना, आई बात समझ में। ये यहां से आप ये नहीं समझ सकते कि एक फ्रीक्वेंसी तो श्योर हो गया कि ओमेगा टू है ओमेगा वन है, लेकिन जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है कि और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही लाइट के अंदर, वो ना तो ओमेगा टू है ना ओमेगा थ्री है। ये तो दिखने को दिख रहा है कि ओमेगा टू और ओमेगा थ्री है, बट एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी एक तो ओमेगा वन आ रही है और कुछ आ रही है जो अपने को यहां देख के नहीं पता चल रहा। कब पता चलेगा? जब इंडिविजुअल या तो साइन या कोस का टर्म होगा ना तब पता चलेगा। तो इसको इंडिविजुअल कोस या साइन का टर्म बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा क्या? तो उसके लिए मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। देखो साइन, मान लो साइन अल्फा साइन बीटा ऐसा आ गया, मतलब दो एंगल है ना, जैसे ये अल्फा बीटा ऐसा ही तो है। अगर इस टाइप का कुछ आ गया तो उसको आप लिख सकते हैं कैसे, आप उसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वन बाई टू होता है। अगर ऐसा आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस में है दोनों, ये दोनों साइन, ये एक साइन में एक कॉस में, तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। बट इसका आंसर जो होता है वो वन बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है, ठीक है। एक है साइन अल्फा कॉस बीटा, इस टाइप का, मतलब इस टाइप का अगर ये आ गया तो ये आएगा वन बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अगर ऐसा आ गया साइन, या इसको कोस ले लो, वैसे इस फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा, मतलब कोस को पहले लिखा हुआ अगर आ गया तो उसको बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फॉर्मूला ध्यान रख लो। एक फॉर्मूला और होता है ऐसा आता है कोस अल्फा साइन बीटा, तो इसका आ जाएगा वन बाई टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये चार फॉर्मूले हैं, ये छाप लीजिए पहले, ये डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है, छापो एक बार फटाफट छापिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सही है कि ये मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया कहीं पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अप्लाई करना आना चाहिए भैया आपको। हाँ जी, समझ आ रहा है? कविता, पूजा, बादाम, पंकज, निखिल, राहुल, करतार, विकास, हाँ वंदिता, हाँ जी,
बताइए भैया। बताइए 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 क्या छाप लिया होगा, छाप लिया होगा। इसको कीजिए, इसको क्या करेंगे, मतलब समझ आ गया होगा ना कि ये क्या है ना। तो के मैक्सिमम क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए इसके अंदर। नहीं नहीं अभी अभी एक सेकंड रुको। हाँ अभी ये फॉर्मूले छाप लोगे, इसके बाद में देखो इसमें कुछ चीज़ें माननी है। क्या है ये फॉर्मूले अलग है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो क्या है इस क्वेश्चन का सीन ऐसा है कि मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ओमेगा वन जो है वो वन है, ओमेगा टू जो है वो टू है, ओमेगा थ्री जो है वो थ्री है, ठीक है राइट। और क्या और क्या, और ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट है पॉइंट फाइव नहीं, ओमेगा नॉट ले लेता हूँ मैं 1.5, ठीक है, और एच कट ले लो 1। तो के मैक्सिमम कैलकुलेट करो, करिए के मैक्सिमम कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी बताइए 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 फटाफट बताइए। हाँ पंकज बताइए एक बार एक्सप्लेन की। अरे ये कंसेप्ट है ना बहुत ही ऐसे अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। निखिल गुप्ता बता रहे हैं कि 3.5 आ रहा आंसर, पंकज जी बता रहे 3.5। निखिल 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 राहुल 3.5, चलो बहुत बढ़िया। निखिल आप पहली बार देख रहे हैं क्या वीडियो, एक बार मुझे ये बताइए, या पहले भी आप क्लासेस ले चुके हैं। हाँ जी देखो ये सीन है, अब हम लोगों को पता करना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा, क्वेश्चन में और कुछ चीज़ें भी पूछ सकता है, लेकिन जो जनरली जो पूछा गया मैं उसके बेस पे क्वेश्चन बनाया है, लेकिन कुछ और भी पूछा जा सकता है ना। तो आपको तो ये कंसेप्ट तो अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो एक फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता है ओमेगा वन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए दो फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला लगाएंगे इनमें से कौन सा, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो साइन में आएंगे दोनों, एक बार प्लस होके एक बार माइनस होके। तो ये होगा देखो 2 sin ω1t, ये तो है यहाँ पे। अब ये आएगा जो 3, इसका जो अंदर बनेगा वो बनेगा 1/2, तो 2 को बाहर ले लिया, ये बनेगा sin ω2 + ω3, ठीक है, इंटू टी प्लस साइन देखो इसका जो बनेगा sin ω2 - ω3, ऐसा है। तो जो भी है क्या आया, क्या आया देखो, एक इसका थोड़ा ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं। 2 + 3 आ गया यहाँ पे दो ना, तो एक फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है मेरे को, तो जो भी आ रहा है उसमें से फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है। क्या आ रहा है 2 - 3, तो देखो एक फ्रीक्वेंसी तो ये आया, एक तो ये ओमेगा वन कितना 1, तो एक फ्रीक्वेंसी तो आ गया 1। एक फ्रीक्वेंसी आया ये, जिसको मैं बोल देता हूँ ओमेगा डैश बोल देता हूँ,
ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3, जो कि क्या है 2 प्लस 3 5 है। एक में क्या है ओमेगा डबल डैश, वो क्या है 2 माइनस 3, तो ये क्या आ गया माइनस 1, है ना। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 है ना, क्या है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3, तो क्या 2 माइनस 3 वैसे नेगेटिव आ गया, पर ये नेगेटिव नहीं रहेगा एक्चुअल में, क्या होगा ये माइनस साइन जो भी नेगेटिव आएगा ये बाहर आ जाएगा, है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब एक का एम्पलीट्यूड कितना आ गया, एक का एम्पलीट्यूड अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात कर लूँ तो कितना आ गया 1 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस है। अरे ये समझ में आ रहा होगा ना, नेगेटिव तो आ रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या होने वाला, जब यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो अंदर जो फ्रीक्वेंसी बच जाएगा वो पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी, एक तो वन का, एक यहाँ से भी वन ही आ रहा है एक तरीके से आप समझिए, और यहाँ से फाइव आ रहा है। अब देखो वैसे तो यहाँ पर जो ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट क्या है, ओमेगा नोट है डेढ़ 1.5 ना, 3/2 है, तो 3/2 है तो इससे तो होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि तो इसका फ्रीक्वेंसी बन है, इससे भी नहीं होगा। चलो अगर होता भी ना तो हम लोगों को तो मैक्सिमम वाले से मतलब था, तो इससे ही है मैक्सिमम, मैक्सिमम किससे 2+3 वाले से, 2+3 वाले से मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आएगा एच कट ओमेगा माइनस ओमेगा, सॉरी यहाँ से आएगा एच कट ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रखेंगे मैक्सिमम के लिए, ओमेगा डैश वाला ये रखेंगे, एक इसको रख लो, इसको तो मैं 1 मान ही रहा हूँ, इसको 5 कर दिया, इसको 1 माना ही है, ओमेगा नॉट कितना रखा है डेढ़ रखा है, तो ये आ गया 5 माइनस 1.5 3.5 आ गया, कितना आया था आप लोगों के यहाँ से 3.5 ही आया था क्या। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को मैं जहाँ लेके जाना चाह रहा था वहाँ पहुँच गया हो आप, चलो सही है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। एक दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, इससे डायरेक्ट भी पता चल जाएगा, अगर इस टाइप का फॉर्मेट अगर आता है आपके पास क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का फॉर्मेट आता है क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि इस ये साइन, दोनों साइन हो, दोनों कॉस हो, एक साइन हो, एक कॉस हो, एक कॉस हो, साइन हो, कोई सा भी हो, आपको ये पता है कि अगर मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही अगर कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के दो टाइप के बनते हैं, एक तो ऐड करके बनता है, एक सब्ट्रैक्ट करके बनता है। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये मैक्सिमम ऐड वाला होगा, ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं इसकी वजह से मिले, पर आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, ये तो पता चल जाएगा ना, एक तो प्लस से मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, एक माइनस से मिल जाएगा, एक जो इंडिविजुअल अगर कोई और भी है तो वहां से पता चल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्लियर है। तो आपको जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला याद ही हो, अगर बाय चांस याद नहीं है तब भी आपको पता है कि ये सोल्व हो के क्या बनेंगे, दो टर्म बनेंगे, वो एक साइन का हो सकता है, एक कॉस का हो सकता है, दोनों साइन के हो सकते हैं, दोनों कॉस के हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो फ्रीक्वेंसी से अगर मेरे को मतलब है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी से मतलब है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करनी है तो या तो ऐड होके कर लो या दोनों, तो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ऐड होके भी मिलेगी, सबट्रैक्ट होके भी, मैक्सिमम कैलकुलेट करना तो ऐड होके जो मिलेगी वो काम में ले लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर चलते हैं। टू साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 1t साइन ओमेगा 2t, नहीं इसको मैं कुछ और बोल देता हूँ, टू टी प्लस 5 1 और साइन 4t प्लस 5 2, ठीक है, और ओमेगा 1 का जो वैल्यू है इसको कर लो 7, ठीक है। तो के मैक्सिमम कैलकुलेट कीजिए, के मैक्सिमम
के मैक्सिमम कैलकुलेट कीजिए। करिए भैया, के मैक्सिमम का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, अरे इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग तो, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू मांग रहे हो। अरे वाह, डब्ल्यू नॉट है आधा है और एच कट कितना है, वन। अरे वाह कुलदीप, हाँ जी 6.5 आ रहा है क्या आंसर? 6.5 आंसर आ रहा है ना, ऑलमोस्ट सब लोगों का 6.5 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या है। देखो एक फ्रीक्वेंसी तो 7 और यहाँ से दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी है ना, एक तो ये दोनों ऐड होंगे तब, और दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी वाला टर्म ऐड होगा, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएगा मिलेगा 60 + 51 + 52। तो एक तो ये टर्म मिलेगा यहाँ पर है ना, और एक टर्म मिलेगा माइनस होगा तो 2t, ये एक मिलेगा इसमें से ही माइनस कर देता हूँ मैं, तो 2t + 52 - 51 ये लिख देता हूँ मैं, एक टर्म ये मिलेगा है ना। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, मतलब एक तरीके से ये ωt + 5 ऐसा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, केवल टाइम वाला है, तो एक तो ये मिलेगा 6 फ्रीक्वेंसी और एक मिलेगा 2। तो फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, एक तो है जैसे मान लो आप ले लो ओमेगा 1 है 7, एक ओमेगा 2 है 6, एक ओमेगा 3 है 2। ये तीन फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, इस जो भी आप पूरा जो लाइट भेज रहे हो ना उसमें तीन टाइप की फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, ये है ना। ओमेगा नॉट कितना है, आधा है, एच कट 1 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी, तो कैलकुलेट कर लेंगे। वन सेकेंड आ रहा हूँ, तो इसमें ये आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो आएगा क्या, यहाँ से एच कट ओमेगा 1, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो आएगा एच कट कौन सा आएगा, ओमेगा 1 से आएगा, माइनस एच कट ओमेगा नॉट। एच कट का वैल्यू 1 है, ओमेगा 1 है 7 और ये है 1, ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना, आधा है क्या, तो ये 7 माइनस आधा, आधा मतलब 0.5, तो 6.5 बच गया भैया, ये आंसर है। ठीक है, ये करिए एक बार, मैं आता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर हम लोग ये वाइंड अप करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, तो हो गया था ये क्वेश्चन, मतलब कर लेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस। बस मेरा मोटिव यही था कि ये चीज़ समझ आने लग जाए आपको कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग, आगे चले, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम लोग फिनिश करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे आधे घंटे का गैप लेके, ठीक है। अरे एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि सबको समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँगा। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए भैया। हाँ निखिल, जो भी लोग पहली बार आए हैं या उनको कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर गिवन है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हैं। क्योंकि एक दो चार दिन के बाद में क्या होने वाला है कि यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस आ रही है ये फ्री क्लासेस नहीं आएगी, फिर मोबाइल ऐप के ऊपर ही रहेगी क्लासेस, ठीक है ना। तो उसमें जो पेड कोर्स वाला पोर्शन है वहीं पर चलेगी क्लासेस, ठीक है। तो जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी, इनको एक तरीके से आप एक डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि एक स्टार्टिंग की जो क्लासेस है अगर आपको समझ में आता, तो कुछ लोग जो नए आए हैं उनको बता रहा हूँ, वो कंटिन्यू करना चाहे तो। हाँ जी चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो एक दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता हूँ मैं, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स। जैसे ऐसा है कि मान लो एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का मतलब समझते हो ना, पॉइंट सोर्स का मतलब है जिससे जो एनर्जी या लाइट एमिट हो रहा है वो चारों तरफ जा रहा है, एक स्फीयरिकल फॉर्म में जा रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा तो चारों तरफ जाएगा, एक स्फीयर को कवर करेगा, है ना, ऐसा। तो यहाँ से एक लाइट एमिट हो रहा है और यहाँ पर एक बंदा कोई देख रहा है, ये कोई लड़की है, आँख लड़की की बनी है, लड़के की, ये तो कोई जानवर की बन गई है, पता नहीं जो भी है, ये है। यहाँ से डिस्टेंस है कुछ, कितनी डिस्टेंस, आर डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, है ना, आर डिस्टेंस पे, इसको मैं 1 मीटर ले लेता हूँ, 1 मीटर डिस्टेंस पे ये बंदा है ना, या जो भी है, किसी का आँख है ये, तो ये देख रहा है इसको, और ये जो आई है जिस पे लाइट आ रही है उसकी जो, उसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, मान लो मैं ऐसे सर्कुलर ले लेता हूँ आँख का, इसका जो एरिया है, रेडियस ले लो आप, रेडियस या एरिया कुछ भी, इसका एरिया, इसका रेडियस ले लेता हूँ मैं, मान लो इसका रेडियस कितना है, आधा मीटर। वैसे आँख का रेडियस आधा मीटर, आधा मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन ईजी रखते हैं हम लोग। आधा मीटर का क्या है, इसका आई का रेडियस है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, लाइट जा रही है, और ये जो लाइट है ये लाइट जा रही है। अब ये लाइट का फ्रीक्वेंसी, लेमडा बात करूँ मैं, लेमडा 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 एक सेकेंड, इसका जो इंटेंसिटी है, इस लाइट का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, इस लाइट का इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी ले लो जैसे 3 × 10⁻¹⁵, ये क्या है, इंटेंसिटी है इसका, ठीक है। चलो ये इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी मिल गया मुझे, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर कितने फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स ऑन द आई, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ऑन द आई, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ऑन द आई। और भी कुछ पता करना रहेगा क्या मुझे, मुझे हाँ पता करना रहेगा, मुझे क्या पता करना रहेगा, मुझे ये पता करना रहेगा जो ए है, ए नहीं, मुझे लेमडा भी पता होना चाहिए इसका, ना लेमडा, लेमडा कितना है, मान लो कि 1240
एंगस्ट्रॉम है। सोचो एक बार, क्वेश्चन होगा नहीं आपसे, ये ज्यादा चांस है, लेकिन सोचो एक बार, एक मिनट के लिए सोचो, फिर मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं क्या क्या सीन बनता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पे। हाँ जी, चलो मैं बताता हूँ, सुनो। देखो ऐसा है, पहली चीज तो इसको यहाँ पे सुनना, पहली चीज तो ऐसा है कि मान लो एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से अगर लाइट निकल रही है, यहाँ से अगर फोटोन निकल के जा रहे हैं, लाइट निकल के जा रही है, और यहाँ आपको कहीं पर अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पे, इसमें तो इंटेंसिटी गिवन है, मान लो इंटेंसिटी कहीं पे कैलकुलेट करनी हो, मान लो इंटेंसिटी आपको बोला जाए, इंटेंसिटी आपको बोला जाए कि यह इतनी डिस्टेंस पे, मान लो आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। अब आर डिस्टेंस पर अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि ये जो एनर्जी निकल रही है ये क्या, कहाँ निकल रही है, ये चारों तरफ निकल रही है, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो उससे सर्कुलर स्फेरिकल फॉर्म में निकलेगी। तो यहाँ पर मैं एक स्पीयर बना देता हूँ इतनी रेडियस का, ठीक है, ये स्पीयर दिख नहीं रहा है लेकिन ये स्पीयर है, ठीक है, चलो मैं अच्छे से बना देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीयर तो येलो है, ठीक है, ऐसा बन गया, इसको सेंटर मान के इस पॉइंट से स्पीयर बना दिया मैंने। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर से जो भी एनर्जी निकल रही है, यहाँ से जो भी टोटल एनर्जी निकल रही है, टोटल एनर्जी मान लो टी टाइम में जितनी एनर्जी निकली, तो मैं टी से डिवाइड कर देता हूँ, तो पर सेकंड कितनी एनर्जी निकली वो आ जाती है, और पर यूनिट एरिया से कितनी निकली, ये इसका क्या है, टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया क्या होगा, 4πr², तो पर यूनिट एरिया से निकालने के लिए एरिया से डिवाइड कर देते हैं। अरे इंटेंसिटी क्या होता है, ई टोटल अपॉन टाइम इंटू एरिया, यही होता है ना, तो ये टोटल टाइम इंटू एरिया, एरिया ये हो गया, तो ये क्या हो जाती है, आपकी इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास में पॉइंट सोर्स है, तो फॉर पॉइंट सोर्स, देखो पॉइंट सोर्स के लिए ये क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ तो ये जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल आती है इंटेंसिटी, ये बात समझ आती है कि नहीं, ये किसके लिए है, पॉइंट सोर्स के लिए, फॉर पॉइंट सोर्स, ये बात समझ में आती है, फॉर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी क्या होता है, 1/r² होती है, मतलब आप थोड़ी दूर चले गए तो इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, यही तो होता है ना, हम सूरज के जितना करीब जाते हैं या बल्ब के जितना करीब जाते हैं, आपके घर में बल्ब लगा हुआ रहता है ना, तो चेयर पर चढ़ के उसके नज़दीक जाना है ना, तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना, या मोबाइल का फ्लैश होता है उसको आंखों के पास में लेके आना, जितना नज़दीक आओगे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब कि उसमें से जैसे अगर रेड कलर का लाइट आ रहा तो अभी भी रेड का ही है, दूर से देखोगे तब भी रेड ही है, पास से आएगा तब भी रेड ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, लेकिन आंख के रेटिना पर यूनिट एरिया पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ गया एक तरीके से, तो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, मतलब पर सेकंड पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी आ रही ना वो ज्यादा होगी, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ जाना, वो हम लोग यूं करते हैं ना, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया, यार देख नहीं पा रहा मैं, सूरज की तरफ देख नहीं पाते आंख से आंख मिला के दिन में जनरली, तो वो क्या इंटेंसिटी उस टाइम पे ज़्यादा होती है, मतलब पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट सरफेस एरिया पे पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ या एनर्जी है वो क्या है, वो ज़्यादा आ रही है, तो इंटेंसिटी है। दूर जाओगे तो ये इस तरीके से आएगी, पॉइंट सोर्स से तो अगर इंटेंसिटी दूर जाओगे तो इस तरीके से चेंज होगी, और अगर जैसे मान लो एक ऐसा सोर्स है, ऐसा लीनियर सोर्स है, लीनियर ये कैसा है, पॉइंट सोर्स है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसको लिख लेना अभी, तो लीनियर से जैसे लाइट ऐसे जाती है, लीनियर से
लाइट इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, तो इंटेंसिटी जो है ना लीनियर से, लीनियर से जो इंटेंसिटी होता है ना, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस जैसे आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है तो 1/r के प्रोपोर्शनल होगा लीनियर से, फॉर लीनियर जितना भी डिस्टेंस होगा डिस्टेंस पे आ जाएगा, जितनी भी डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ इतनी डिस्टेंस पे जो भी है ये डिस्टेंस है, ये क्या है रेडियस है एक तरीके से, मतलब वही डिस्टेंस ही बट यहाँ पे रेडियस के टर्म में बात कर सकते हैं। तो ये एक एक बार ये छाप लीजिए आप साइड में, ये छाप लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तब, ठीक है, कब, जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो। लेकिन अगर हमको इंटेंसिटी, तो इसमें इस क्वेश्चन में जैसे इंटेंसिटी गिवन है, अभी इंटेंसिटी तो गिवन है, यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है ना, यहाँ पर एक चीज़ देखो, टोटल जो एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी क्या होता है, एक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी होता है एच इंटू न्यू इंटू एन फोटोन्स आ रहे हैं तो टोटल एनर्जी ये आ गई, अगर एक ही टाइप के फोटोन आ रहे हैं तो। ये भी साथ में लिख लेना, ये छाप लो एक बार, ये वाला जो कंसेप्ट है ना ये कंसेप्ट छाप लो, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ जी, हो गया ये, चलो अभी देखिए इस पे आता हूं मैं। इसके अंदर क्या है, इंटेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, इसकी क्या है इंटेंसिटी गिवन है कि इतनी दूर जो है इसकी इंटेंसिटी ये है, यहां पर इंटेंसिटी गिवन है कि यहां पर ये पॉइंट सोर्स है, इसका इंटेंसिटी मुझे पता है, ठीक है, इंटेंसिटी मुझको पता है, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी पता है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सुनना मेरी बात, कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो रेटिना है या जो ये आई है इसके इस पर पर सेकेंड, इसके टोटल सरफेस एरिया पे, इसके टोटल सरफेस एरिया पे पर सेकेंड कितने फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर कितने फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ये पता करना है। चलो अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, मुझे अगर ये पता चल जाए कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन आई, टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन आई अगर मुझे पता चल जाए, मान लो मैं उसको बोल रहा हूँ क्या ई टोटल बोल रहा हूँ, ठीक है, ई टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन दी आई अगर मुझे पता चल जाए, तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अगर वो एक ही टाइप के फोटोन से आ रही है, तो एक ही टाइप के अगर फोटोन से आ रही है तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू जो एक फोटोन का एनर्जी है वो, यही होगा ना, एक फोटोन का एनर्जी मतलब एच न्यू, एक फोटोन का एनर्जी इंटू जो टोटल फोटोन आ रहे हैं उनका, तो टोटल फोटोन का वो आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है, ये क्या है एनर्जी ऑफ वन फोटोन चमका, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो ई टोटल मिला मेरे को एन इंटू ई, ई टोटल मिल गया मुझको एन इंटू ई, ठीक है, ई टोटल इक्वल टू एन इंटू ई, चलो एनर्जी ऑफ वन फोटोन मिल गया मुझे। अब देखो एनर्जी ऑफ वन फोटोन मिला मुझे तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे को नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है तो ई टोटल कैलकुलेट कर लो, ई से डिवाइड कर दो, क्लियर है। अब टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, अभी सुनिए मेरी बात, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी आएगी, अगर मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको, पर सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ये सारे पर सेकेंड पे, यहाँ पर अगर मैं ये बता दूँ कि इंटेंसिटी है आई, तो एक्चुअल में मैंने क्या बता दिया यहाँ पे, अगर मैं आपको इंटेंसिटी बता देता हूँ कि यहाँ पर इंटेंसिटी आई है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि यहाँ पर यूनिट एरिया पे पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है, यही बताया, इंटेंसिटी बताई मैंने यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑन दी आई, इंटेंसिटी, सुनना ये कंसेप्ट का जो सेंस है ना उसको समझ जाओगे ना
तो कोई मेथड रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इंटेंसिटी ऑन दी आई का मतलब क्या है? इंसिडेंट एनर्जी पर सेकेंड एट पर यूनिट एरिया या यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पे, तो इंटेंसिटी के इक्वल आ रही है और वो कितना आई है, वो आई के इक्वल है। ये कितना आई है और आई का वैल्यू कुछ गिवन है, कितना 3 × 10⁻¹⁵। इतनी इंटेंसिटी गिवन है, इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पे आंख पे आ रही है ना, पर यूनिट एरिया पे आ रही है। मुझे तो टोटल एरिया पे निकालनी है, तो टोटल एरिया पे जितना भी आंख का एरिया है, आंख का एरिया है वो मिल जाएगा। तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी ई टोटल कैलकुलेट करो, तो ई टोटल क्या आएगा आपके पास में, ई टोटल आएगा इंटेंसिटी कि कितनी इंटेंसिटी की आ रही है। तो पर यूनिट एरिया पे पर सेकंड इतनी एनर्जी आ रही है इनटू एरिया ऑफ आई, एरिया ऑफ आई मिल गया, एरिया ऑफ आई मिल गया। तो आपको क्या मिल गया एक्चुअल में, ये टोटल एनर्जी आ रही है वहां पे। एरिया ऑफ आई क्या होगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना एरिया, वो सर्कुलर फॉर्म की गिवन है। अगर रेक्टेंगुलर होता तो उसका एरिया ए इंटू बी हो जाता, जैसा भी होता तो उसका एरिया आ गया आंख का, ये आंख का एरिया आ गया है ना, आई का एरिया आ गया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आ रही है आंख के ऊपर, यहाँ पे जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी है पर सेकेंड वो कितनी आ रही है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर पर सेकेंड इतनी एनर्जी आ रही है। तो मुझे अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो ई से डिवाइड कर दो, ई मतलब एक फोटोन की एनर्जी, तो ये क्या होगा, ये होगा एन इंटू ई। एन कैलकुलेट करना तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर और ई, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ई क्या है, ई एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी क्या होता है, एस सी बाई लेमडा, लेमडा गिवन है स्टार्टिंग में कि वो फोटोन आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ क्या है। तो ये आपके पास में आ गया क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स पर सेकेंड, छाप लो एक बार छाप लो, 10 मिनट में क्लास फिनिश कर देंगे, एक बार छाप लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये है आई इंटू एरिया, जहाँ पर इंसिडेंट हो रही है उसका एरिया है, इंटेंसिटी है, और ये फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी जो फोटोन आ रहा है, ठीक है ना। वैसे इसमें तो एक ही टाइप के फोटोन दे तो ये ही फॉर्मूला लगेगा, अगर किसी में मल्टीपल टाइप के फोटोन आ रहे हैं उसके बारे में बात करता हूँ अभी मैं। वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ना, लैम्डा का वैल्यू रख सकते हो, आर का वैल्यू रख सकते हो, इंटेंसिटी का वैल्यू, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है ना। मेरा पॉइंट ये नहीं था कि मैं इस कैलकुलेशन को सिखाऊं, ये जो चीज़ है ना इसको सीखना पर्पज है, इसका सेंस समझ लो कि टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करो, पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है पर सेकंड, तो इंटेंसिटी है वो, और इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब टोटल एनर्जी में फोटोन देखने हैं तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, एक लास्ट टाइप का फॉर्मेट और कर लो, मतलब ये क्वेश्चन और कर लो इसी पे, फिर हम लोग चलते हैं, फिर फिनिश कर देंगे। ऐसा है कि मान लो कि एक लाइट आ रही है, लाइट सोर्स से, एक ये सोर्स है ठीक है, लाइट सोर्स है, और लाइट सोर्स से एनर्जी आ रही है
कहाँ पे? ये कोई एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है लाइट, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका एरिया है कितना है? ए एरिया है। और ये जो लाइट आ रही है, मान लो इसमें तीन टाइप के फोटॉन्स है, यहाँ एक फोटोन है उसका लेमडा वन है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, एक का लेमडा टू है, एक का लेमडा थ्री है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी एक का है इस जगह पर, इंटेंसिटी यहाँ पर, इंटेंसिटी यहाँ पर, इंटेंसिटी एक का आई वन है, एक का आई टू है, एक का आई थ्री है, इस जगह पे इंटेंसिटी है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल फोटोन कितने होंगे। टोटल फोटोन मतलब इस लेमडा वाले फोटोन कितने आएंगे पर सेकेंड, पर सेकेंड एन टू कितना होगा और एन थ्री कितना होगा, टोटल कैलकुलेट करना, तो टोटल तो ऐड कर देंगे, है ना, यही है चमका। तो देखो इसमें मल्टीपल है, तो एक आप एक बात समझिए, जैसे एक के लिए कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी किया है वैसे, यहाँ पर इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी है, आई वन है, जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, बाकी को भूल जाओ। तो पहला जो लाइट आ रहा है लेमडा वन वेवलेंथ का, उसका इंटेंसिटी है यहाँ पर आई वन, इंटेंसिटी आई वन है, इसका मतलब ये है कि इसके पर यूनिट एरिया पे पर सेकेंड जितना एनर्जी आता है वो है आई वन, पर यूनिट एरिया पे पर सेकेंड जितना एनर्जी आता है वो है आई वन। तो पर यूनिट एरिया पे टोटल अगर एनर्जी कैलकुलेट करना हो पर सेकेंड, टोटल एनर्जी ये आ गया, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसके पर यूनिट एरिया पे मान लो इतनी सी जगह पे कितनी आई वन एनर्जी आ रही है, टोटल पे कैलकुलेट करना तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल एनर्जी पर सेकंड आ गया एक पर्टिकुलर के लिए, ये टोटल एनर्जी पर सेकंड आ गया, ऐसे समझिए, है ना, टोटल एनर्जी पर सेकंड आया, ये टोटल एनर्जी पर सेकंड आ गया एक के लिए। अब मुझे इस पे इसमें देखना है कि लैम्डा वन वाले फोटोन कितने आए, इतनी तो एनर्जी आ गई, अब इसमें कितने फोटोन से, तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो इसको, तो एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो इसको E टोटल को अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूँ, एक फोटोन की एनर्जी से I1 वन इंटू ए, क्योंकि क्या है ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ये जो टोटल होती है ये होता है एक टोटल एक फोटोन, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एक फोटोन का एनर्जी, ऐसे तो होता है एक फोटोन का एनर्जी, ये E1, ये टोटल में बात कर रहा हूँ पहले की वजह से, पहले के लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या आ गया यहाँ से n नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या आ गया आई वन इंटू ए अपॉन ई वन, ये n1 आ गए, पहले पहली लाइट जो है ना उसके कितने फोटोन आएंगे वो है, सेकंड के भी ये आएंगे, आई सेकंड का इंटेंसिटी आई टू, उसका एरिया एरिया तो सेम है ए ई वन, किस जगह आ जाएगा ई टू, सेकेंड जो है उसका फोटोन का फ्रिक्वेंसी आ जाएगा वो एनर्जी, थर्ड के लिए एन थ्री तो आ जाएगा आई थ्री इंटू ए अपॉन ई थ्री, ठीक है। टोटल कैलकुलेट करना हो तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ये आ गया आई वन इंटू ए ई वन प्लस आई टू ए इंटू ई टू प्लस आई थ्री ए इंटू ई थ्री, और ई वन ई टू ई थ्री क्या है, एक एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होता है एस सी बाई लेमडा वन, ये क्या आएगा एस सी बाई लेमडा टू, और ये आ गया एस सी बाई लेमडा थ्री। अब कई बार क्या होगा, इंटेंसिटी तीनों की सेम दे देगा, इंटेंसिटी सेम देगा तो इंटेंसिटी सेम रह जाएगा, इंटेंसिटी सेम नहीं होगा तो इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगा, जो भी आएगा ऐसा है। मेन कंसेप्ट तो ये पहली लाइन में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद तो ये इसका क्या है, सब पर रिपीटेशन है, ठीक है, मेन कंसेप्ट तो यहीं पर फिनिश हो जाता है। ये बात समझ आती है कि नहीं, मेन ये लाइन ये समझ आ जाना चाहिए, ये वाला कि टोटल एनर्जी पर सेकंड है, इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो और टोटल एनर्जी मिल गई, तो टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ फोटॉन्स की टर्म में बात करूं तो टोटल फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी वही है, ये आ गया, चमका कि नहीं, ये क्लियर होना चाहिए भैया, क्लियर है, यहां तक समझ आ जाना चाहिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए,
आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, इतने टाइप के बता दिए मैंने, एक पूरी क्लास ले ली है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो बता दीजिए ये ठीक है ना। अरे ठीक है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक क्लियर है मामला? अरे यहां तक सब ठीक है ना, यहां तक सब ठीक होना चाहिए भैया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ जी पंकज, राहुल, निखिल, सब लोग बताइए एक बार। करतार, पूजा, कविता, हाँ वंदिता, विकास, चलो सही है। अरे एक और बात बता दूँ क्या यहाँ पे, एक लास्ट, बस एक मिनट का ही है। देखो मैं ये कंसेप्ट बता रहा था ना आपको, ये वाला, ठीक है ये बता रहा ना। इसमें कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो कि आप कोई ऐसे बोल देगा कि क्या है, एक पॉइंट सोर्स है और पॉइंट सोर्स से आपका 2 मीटर की डिस्टेंस पे इंटेंसिटी है आई एम, ठीक है ना? मतलब इंटेंसिटी कहीं पे कितनी है, 2 मीटर पे कितनी है, आई है। तो अगर मैं 4 मीटर पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ, 4 मीटर पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा ऐसा? तो इंटेंसिटी जो है अपने को पता किसके, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है ना? पॉइंट सोर्स के लिए ऐसा होता है, मतलब आई वन तो ये आर वन स्क्वायर, ठीक है, आई टू तो 1/r2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो i1/i2 = ये उल्टा हो जाता है r2 square upon r1 square। इस चीज़ का ध्यान रखना, डिस्टेंस के बेस पे पूछा जाता है। तो ये एक जगह पे जैसे स्टार्टिंग में 2 मीटर पे था तो सेकंड पे पूछ लिया, सेकंड पूछा पहले कितना पे था, 2 पे था, तो पहले 2 था, अब हो गया 4, तो पहले था 2 का स्क्वायर था, अब हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16/4, 4 हो गया क्या, ये 4 हो गया, तो i2 क्या आ जाएगा, i1/4। ये चीज़ समझ आती है कि नहीं? ये अभी मैंने जो बताई कि पॉइंट सोर्स से अलग अलग डिस्टेंस पे अगर पूछता है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, पॉइंट सोर्स के लिए ये फॉर्मूला, और अगर लीनियर के लिए बोला जाए तो लीनियर के लिए क्या होगा, लीनियर के लिए आई प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो i1/i2 क्या आएगा, r2/r1, ये लीनियर के लिए है, ध्यान रखना है, ये लीनियर के लिए, ये पॉइंट सोर्स के लिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या पूछा गया, एक डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पूछा, दूसरे डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पूछा, एक पे गिवन है, एक पे इंटेंसिटी आई बोल दिया ना, तो बोल देगा दूसरे पे कितना हो जाएगा, अब जैसे ये कितना हो गया 1/4 हो गया, तो उसका ऐसे ऑप्शन में आएगा कि 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो भी आएगा वो इस तरीके से पता कर सकते हो आप। ये हो गया भैया आज का क्लास, बताइए ये वाला समझ में आ गया ना, छाप लीजिए ये वाला और ये फॉर्मूला छाप सकते हो, ये प्रॉब्लम भी छाप सकते हो, छापना चाहो तो। ये प्रॉब्लम है पॉइंट सोर्स का, ठीक है, ये लीनियर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये पॉइंट सोर्स के लिए, क्लियर है? चलो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेंगे हम लोग, कितने बजे लें, 11 बज गए क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर चल रहा है अपना, और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास रख ले, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास रख लेते हैं हम लोग, कितने बजे रखे, 12 बजे रख लेते हैं ना, 11 तो बज गए, 1 घंटे का गैप ले लेते हैं, फ़ोन चार्ज कर लीजिए आप अपना, और 12 बजे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास रख लें।
करीबन 1.5-2 घंटे की क्लास रखेंगे, 12 से 2 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा टाइम और हो जाए फिर हम लोग क्लास बहुत जल्दी करेंगे, फिर 7 बजे के आसपास करेंगे। एक बार मैं भी हैबिचुअल हो जाऊँ थोड़ा सा, मुझे क्या लेट सोने की आदत है तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, तो एक शेड्यूल थोड़ा चेंज करते हैं, फिर 7 बजे के आसपास से हम लोग क्लास रखेंगे ताकि 11-12 बजे तक हम लोग फिनिश कर दें इसको, ठीक है। सेकेंड हाफ पूरा बच जाना चाहिए अपने पास। तो 12 बजे क्लास रखेंगे, 12 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तब तक आप खाना खा लीजिए, मोबाइल चार्ज कर लीजिए और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो अब तक पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग 12 बजे मिलते हैं। ओके भैया, जाओ मजे करो।